चारा घोटाले में लालू यादव जेल में सजा काट रहे हैं और यहां उनके परिवार में कलह की खबरें घर का आंगन लांघकर बिहार के सियासी गलियारों में छाई हुई हैं। कहा तो ये भी जा रहा कि पार्टी में अपने कद को लेकर तेज प्रताप यादव नाराज हैं। 9 जून को उन्होंने एक ट्वीट भी किया था जिसमें उन्होंने कहा था, मेरा सोचना है कि मैं अर्जुन को हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठाऊं और खुद द्वारिका चला जाऊं। अब कुछ एक चुगलों को कष्ट है कि मैं किंग मेकर ना कहलाऊं। इस पारिवारिक कलह में आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे का नाम भी सामने आया, जब खुद तेज प्रताप ने कहा, हम दलितों के लिए एक पद चाहते थे लेकिन पूर्वे ने हमें टरकाने का काम कर दिया। जिस पूर्वे पर तेज प्रताप ने आरोप लगाया उनके सियासी कद की बात करें तो वह बिहार के सीएम रहे कर्पूरी ठाकुर के जमाने से बिहार की राजनीति देख रहे हैं। वो आरजेडी के संस्थापक सदस्यों में से एक है। 1997 में जब लालू यादव जनता दल से अलग होकर आरजेडी का गठन कर रहे थे तो पार्टी का ड्राफ्ट तैयार करने की जिम्मेदारी रामचंद्र पूर्वे को ही दी गई थी। उन्हें पहली बार 2010 में बिहार आरजेडी का अध्यक्ष बनाया गया था। लालू का रामचंद्र पूर्वे पर साल दर साल भरोसा बढ़ता गया, साथ ही साथ खुद रामचंद्र पूर्वे का कद भी आरजेडी में बढ़ता गया। शायद यही वजह है कि साल 2013 और 2016 में जब आरजेडी प्रदेश अध्यक्ष चुने जाने की बात आई तो उनके सामने कोई खड़ा ना हो सका और निर्विरोध बिहार आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए। रामचंद्र पूर्वे की पकड़ बिहार के पिछड़े वर्ग में अच्छी मानी जाती है, शायद इसलिए लालू ने उन्हें चौथी बार प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंप दी। 30 साल से राजनीति में सक्रिय रामचंद्र पूर्वे फिलहाल इस वक्त बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। ऐसे समय में जब लालू यादव जेल में है, पार्टी के वरिष्ठ नेता होने के नाते पूर्वे पर पार्टी की जिम्मेदारी बढ़ गई है।